नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल छत्तीसगढ़ के एक्सक्लूसिव कार्यक्रम हमर सांसद कौन। हम आ रहे हैं आपके बीच में लेकर के इस खास पेशकश का 9वां एपिसोड। आपको बताते चलें कि हाल ही में घरघोड़ा की सीट को कवर करने के बाद में आज हम पहुंच चुके हैं अपने छत्तीसगढ़ की सबसे एक और प्रमुख सीट सरगुजा सीट की ओर, जहां से यहाँ के लोकसभा सीट के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार, बोल छत्तीसगढ़ के आप सभी टीम के सभी सदस्यों को भी मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। तो चिंतामणि महाराज जी, आप भाजपा की तरफ से सरगुजा सीट के लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं, क्योंकि आप एक बहुत चर्चित यहाँ के एक राजनीतिक चेहरे तो हैं ही, तो राजनीतिक जीवन के बारे में तो लोग थोड़ा आपके जानते ही होंगे, परंतु चिंतामणि महाराज जी का एक व्यक्तिगत जीवन जो राजनीति से परे था वो कैसा था, और उसके बाद किस तरह से आप राजनीति की ओर आए, थोड़ा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं तो शुद्ध किसानी का काम करता था। वैसे हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूज्य पिताजी, आज जिनको गहरा गुरु जी के नाम से जानते हैं, उस परिवार से हूँ और पूरा अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किए। हम लोग समाज के लिए कुछ समय देते थे, लेकिन अगर पूर्ण रूप से कहें तो हम कृषक के रूप में थे। और 2002-03 में मैं संघ का खंड संचालक भी था कुसमी क्षेत्र का। इसके बाद जब राजनीति में आने का हुआ तो वहाँ से हमको कार्यमुक्त किया गया और मैं 2004 से 8 तक संस्कृत बोर्ड का चेयरमैन के रूप में काम किया, और उस समय संस्कृत के लिए जितना हमसे बन पड़ा हम पूरा कोशिश किए। इसके बाद बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके कारण मैं थोड़ा सा विचलित होकर के दूसरी जगह चला गया था, और अभी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जब सभी लोगों को ये अंदेशा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसे समय में मैं अपना घर वापसी किया, भारतीय जनता पार्टी में आया। जी तो जैसा कि देखते हैं कि आपका एक लंबा समय जो है राजनीति में गुजरा है, और अब आपके जो राजनीतिक करियर में बोलते हैं एक और फेदर के रूप में जुड़ चुका है कि अब आप यहाँ से लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं। जब चुनाव संपन्न होंगे और यदि आप इस सीट से जीत जाते हैं तो आपको एक अवसर मिलेगा कि आप दिल्ली में जो अपना संसद भवन है वहां जाकर के आप यहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिसका केंद्र को जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसे मुद्दों को वहां पे प्रमुखता से रखेंगे, ऐसी प्रखरता से रखेंगे, ऐसी यहाँ की जनता की अपेक्षा है। तो यहाँ हमारी जनता ये भी जानना चाहेगी कि यहाँ के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप हाईलाइट करके सबसे पहले निराकरण करना चाहेंगे। इसमें प्रमुख रूप से मैं जो अभी तक समझ पाया हूँ, मैं लोगों से भी बात करूंगा और किन मुद्दों पर बात करना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में जो विषय है वो सबसे पहले तो स्वास्थ्य सुविधा, एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल हो, एम्स जैसा, जहाँ पर कोई भी मरीज जाए तो उसका पूरा जांच हो, पूरा इलाज हो। अभी जो स्थिति बनता है, मरीज आता है और उसको थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत रायपुर के लिए रेफर करते हैं या बिलासपुर के लिए रेफर करते हैं। तो यहाँ से बिलासपुर का दूरी भी लगभग 200 किलोमीटर है, अगर रायपुर जाएंगे तो लगभग 350 किलोमीटर है। इतना लंबा सफ़र तय करके उस मरीज को जाना बहुत मुश्किल होता है, कई बार दुर्भाग्य से बीच में ही मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ एक सभी सुविधा युक्त हॉस्पिटल हो, ये प्राथमिकता हमारा रहेगा। और दूसरा, हमारा ये वनांचल क्षेत्र है और यहाँ के बच्चे काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए IAS का कोचिंग करना हुआ और कुछ कोचिंग करना हुआ तो इन लोग को लगभग कोटा जैसे जगहों में जाना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो
उस आर्थिक स्थिति को नहीं झेल पाते, उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है। तो मेरे मन में एक विचार है कि मैं आदरणीय मोदी जी से आग्रह करूंगा कि सरगुजा में एक शिक्षा का हब बने, जिससे कि युवाओं को, हमारे आने वाला जो भविष्य युवा पीढ़ी है, वो अच्छा से शिक्षा प्राप्त कर सके और देश की सेवा में लग सके। ये हमारा दूसरा प्राथमिकता होगा। और तीसरा प्राथमिकता आवागमन का साधन, जैसे यहाँ ट्रेन का साधन है, लेकिन किसी व्यापारी को आना होगा तो ट्रेन में इतना घंटा सफर करके बड़ा व्यापारी का आना मुश्किल होता है। तो ट्रेन का एक तो एक ट्रेन है जो रायपुर जाती है, तो ट्रेन का संख्या बढ़े, सीधा दिल्ली भी एक ट्रेन अभी जा रही है, लेकिन ट्रेनों का संख्या बढ़े। उसके साथ साथ यहाँ जो दरिमा एयरपोर्ट है वहाँ से भी हवाई यात्रा शुरू हो, उसके लिए लाइसेंस मिल गया है, जो कि आचार संहिता लगा इस कारण से अभी हवाई यात्रा शुरू नहीं हो पाया है। तो हवाई यात्रा शुरू होगा, लेकिन उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से रायपुर, बनारस, दिल्ली, रांची, कलकत्ता, इस तरह का यहाँ से भी हवाई सेवा आरंभ हो। ये सब अगर हमारा हवाई यात्रा और ट्रेन का जो विस्तारीकरण है, अगर ये दोनों अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। और आज जो हमारे युवा ये बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं, वो शायद उनका बेरोजगारी भी इसलिए ख़त्म होगा। अभी हमारे सरगुजा को, मैन पार्ट को सरगुजा का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला मानते हैं। अभी पर्यटन की दृष्टि से देखें तो सिर्फ मैन पार्ट केवल है, इसके अलावा कई ऐसे जगह हैं जो अभी तक चिन्हांकित नहीं हुए हैं। मैं उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे प्रचार उसका शुरू हो रहा है। आप जैसे लोग जब प्रश्न करते हैं तो उसका जिक्र करता हूं, तो लोगों के मन में जिज्ञासा ये जरूर होता है कि गौरलाटा है कहाँ। तो ऐसा बहुत सारे जगह है जिसको चिन्हांकित करने का जरूरत है और फिर उसका एक सर्किट बने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो भी आएंगे, अगर वो आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो आर्थिक रूप से विपन्नता है वो बिल्कुल आर्थिक रूप से सबल होंगे, ऐसा मेरा 3-4 प्राथमिकता है। इसके अलावा लोगों से और हम बात करेंगे क्या क्या आवश्यकता है। आवश्यकताएं तो अनंत हैं, लेकिन उसमें प्राथमिकता में कौन सा काम को जल्दी पहले करना चाहिए ये हमको देख के कर लेना चाहिए। यहाँ से वाराणसी लगभग अपने हिंदू संस्कृति के मानने वाले जो लोग हैं, अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन के लिए बनारस जाते हैं। अभी यहाँ से रोड भी यूपी का रोड तो ठीक है, वो यहाँ से यूपी तक जाने में जो बनारस रोड है वो ठीक नहीं है। तो मेरे को लगता है या इसको राजमार्ग घोषित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, जिससे कि आवागमन का साधन बढ़िया हो सके। तो अभी आपने हमको अपने जवाब में बताया कि आप युवाओं के लिए बेहतर शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, IAS कोचिंग और पढ़ाई लिखाई जो है थोड़ी सी बेहतर व्यवस्था सरगुजा में हूँ, ऐसे प्रयास करेंगे। परंतु ऐसे में बाहर से ऐसा और भी सुनने को मिल रहा है हमें कि कहीं आप यहाँ के युवाओं से चाय बेचवाना चाहते हैं, ये बात कहाँ से आई और कैसे आई कि आप युवाओं से चाय बेचवाना चाहते हैं? चाय बेचवाने वाली बात नहीं है, मैं अभी प्रचार के दौरान एक दिन चौपाटी में गया था, वहाँ एक यूट्यूबर है प्रखर, वो मेरे को वहाँ पर घुमा रहा था, तो बोला कि मैं आपको एक विशेष चाय पिलवाता हूँ। तो मैं सोचा विशेष चाय क्या होता है, तो मैं जहाँ बन रहा था वहाँ देखने गया, तो वहाँ देखा एक कड़ाह में बालू रखा हुआ है। तो मैं पूछा ये क्या है, तो बोले कि हम इसमें चाय बनाते हैं और ये यहाँ संभवतः छत्तीसगढ़ में शायद पहला है,
उसमें चाय भी बनता है, कॉफी भी बनता है, और वो अलग मैंने वो खोज किया है। तो वही मेरे दिमाग में आया कि शिक्षा के क्षेत्र में हम नवाचार करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में ये भी मेरे को नवाचार से कम लगा नहीं। तो मैं उसी को बोला कि आज जो हमारे युवा साथी हैं अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं, तो स्वरोजगार में इस तरह से नया नया खोज करके करें। ये चाय तो बेच रहा है, बेचने के लिए हमको लग रहा है कि चाय बेच रहा है, लेकिन चाय बना कैसे रहा, वो नवाचार कैसे खोजा, कहाँ से उसके दिमाग में आया। अगर इस तरह का नवाचार में नया नया खोज करके हम अलग अलग तरह के काम करें तो निश्चित रूप से उसका नाम भी होगा। वो बता रहा था छत्तीसगढ़ में पहला है, और अंबिकापुर में, मैं अंबिकापुर का मैं कहीं भी कई जगह घूमा हूँ, मैं पहली बार वैसा चाय बनते देखा, और उस चाय का भी टेस्ट लिया हूँ, चाय का टेस्ट भी एकदम अलग ही है। तो वहाँ काफी कॉफी भी बनाते हैं और चाय भी बनाते हैं। तो मैं युवा मित्रों से इस बात को कहना चाहूँगा जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये बीजेपी वाले चाय बेच मारे हैं, हमको ये जानने और समझने का आवश्यकता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम उसको नवाचार के माध्यम से, मेरे को लगता है कोई मीडिया वाला अगर जाएंगे तो जो चाय बनाने वाला है वो शायद बहुत हाईलाइट होगा, वैसा चाय छत्तीसगढ़ में शायद पहला एक जगह है। तो हमारा जो युवा पीढ़ी है वो नया नया खोज करे और उसके हिसाब से करे। एक उदाहरण और दे देता हूँ, हमारे क्षेत्र में एक किसान है, उसका एक लौता बेटा है और अच्छा पढ़ा लिखा भी है, और उसका नौकरी लग गया था। उसका बाप बोला कि भाई बेटा तुम अकेले हो, तुम चले जाओगे तो मेरा सेवा कौन करेगा। तो मैं उस बेटे को भी धन्यवाद देता हूँ जो एक सनातन परंपरा को पालन करते हुए अपने बाप की सेवा के लिए नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी को छोड़ने के बाद उसके ध्यान में आया कि हम इतना पढ़ लिख करके फिर घर में क्या करें, तो खेती को व्यवसाय के रूप में चुना हो। और आज के 5-6 साल पहले का घटना है, मैं उससे बात किया था, उसके खेत में भी गया हूँ, तो बताया मेरा साल भर का टर्नओवर 70-80 लाख है। तो अगर मान लीजिए हम कृषि को, अगर हम फिर कोई ये सवाल करे कि पढ़े लिखे लोगों को आप खेती करवा रहे हो, तो जो स्वरोजगार है, स्वरोजगार को हम भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से, नए तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा युवा जो आज अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहा है वो शायद चाय बेच करके भी उतना ही गौरव महसूस करेगा कि मैं दुनिया का एक ऐसा इकलौता चाय बेचने वाला हूँ जैसा चाय कोई नहीं बनाता। तो हमको इस ओर अपने युवाओं को अग्रसर करना चाहिए, उन लोग नया नया खोज करें, और हम भी प्रयास करें कि हम भी उनके लिए कुछ नया इस तरह से नवाचार के माध्यम से कुछ दें, जिससे कि युवा उसी काम को करे लेकिन एक अनूठा तरह से करे। ये हमारा युवा साथियों से आग्रह है। बौद्धिक संपदा अधिनियम के तहत जो नवाचार का बात हम कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में इनोवेशन भी बोलते हैं, तो इस तरह के नवाचार अलग अलग तरीके से हों जिससे कि छोटे काम भी लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ये बहुत बड़ा काम है। तो ये जो नवाचार है, इनोवेशन है, ये इसको और हमको कैसे विस्तारीकरण करना चाहिए, इस पर हमको जरूर विचार करना चाहिए और युवाओं को उस दिशा में लगाना चाहिए। हम जब बात करते हैं लोकसभा चुनाव का, अभी जो तीसरे चरण के चुनाव में होने वाला है, हम देखते आ रहे हैं कि 2 चरण के चुनाव भी यहाँ पे 4 सीटों पे संपन्न हुए। तो हमेशा चुनाव के पहले एक लंबा प्रचार प्रसार का दौर चलता है, लोगों से मिलने जुलने का दौर चलता है, तो आपकी भी बहुत सारी सभाएं चल रही हूँ, तो जब ऐसा आप लोगों से मिलने जाते हैं तो लोगों का अनुभव अभी कैसा है यहाँ पे, मतलब उनके मन में कैसा चल रहा है, यहाँ की जनता का मन कैसा आप टटोल पा रहे हैं?
लोगों के मन में जो मैं अभी तक अनुभव किया हूँ उसके आधार पर मोदी जी का गारंटी और विष्णुदेव जी का सुशासन, ये दोनों पर लोगों को भरपूर भरोसा है। क्योंकि विधानसभा के पहले कुछ विषय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आना हुआ था, उस समय दतमा में अपने जनसभा में वो बोले थे हम महतारी बंधन योजना के तहत हर माता बहनों को जो विवाहित हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह देंगे। उसके साथ पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का 2 वर्ष का धान का बोनस नहीं दिया हुआ था, वो 2 वर्ष का बोनस देंगे और हम 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे। मेरे को लगता है भारत में शायद पहला राज्य ये होगा जहां पर 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदी हो रहा है, तो उसमें अंतर का राशि जो है वो हम एक मुश्त देंगे। कांग्रेस के शासन में 4 बार में दिया जाता था, ये एक मुश्त मिलने से लोगों के मन में ये बात आया कि मोदी जी जो बोले थे, मोदी जी का जो गारंटी है वो वास्तव में वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और मोदी जी का जैसे निर्देश हुआ और अपने यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिनका हम सुशासन कहते हैं वो उनको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और जनता अभी सभी जगह सरकार के कामों से संतुष्ट है। तो ये तो बात हुई आपके बारे में, परंतु जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पे दो दल होते हैं, दो दल के बीच में होते हैं, दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो आप भाजपा की तरफ से हो गए, आपके जो विरोधी दल से खड़े हुए हैं यहाँ के प्रत्याशी शशि सिंह जी, आप उनको उनके साथ आप मुकाबला किस नजर से देखते हैं, मतलब कैसा मुकाबला है अभी यहाँ पे दोनों पार्टियों के बीच? देखिए शशि सिंह जी भी हमारे आदिवासी परिवार के हैं, हमारे ही परिवार के हैं, उनको निश्चित रूप से कांग्रेस से टिकट मिला है, लेकिन कोई भी चुनाव या कोई भी लड़ाई उसको सामान्य नहीं मानना चाहिए, चाहे वो घर कहीं लड़ाई क्यों ना हो, और इसको हम एक चुनौती के रूप में मानते हुए हम उस चुनाव को लड़ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अपने भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, मैं कई जगह लोगों को भी कहते भी सुना, मैं भी बोलता हूँ कि ये जो लोकसभा चुनाव है ये चिंतामणि नहीं लड़ रहा है बल्कि सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, सारे पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहाँ पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पर फिर वो चुनौती का सामना करने में सहजता हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव के मैदान में शशि भी हैं और वो भी पूरे अपने दम के साथ, चूँकि चुनाव लड़ना है, युद्ध के मैदान में जाना है तो सब तैयार होकर के निकलना रहता है, वो भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं और हम कार्यकर्ताओं के बल हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अभी हाल ही में जब रायगढ़ सीट के प्रत्याशी से बात कर रहे थे, उनसे हमने जब प्रश्न किया कि उनके विरुद्ध में जो कांग्रेस की नेत्री वहाँ से खड़ी हुई है, तो उनने बताया कि कांग्रेस में तो उनको लेकर ही अंतरी कलह चल रही है, ऐसी बात उन्होंने ऑन कैमरा हमारे सामने कही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का जो अंदर का कल्चर है और भाजपा के जो अंदर का कल्चर है, क्या इसमें जमीन आसमान का फर्क है वास्तविकता में? अंतर तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि मैं उस तरह का राजनीति करना पसंद नहीं करता कि किसी सामने वाले का हम बुराई करें, वो भी आखिर हमारे बेटी हैं, हमारे परिवार से ही, आदिवासी परिवार से हैं, वो बिल्कुल दमखम के साथ लड़ रही हैं और उनका पार्टी के साथ क्या है ये मैं उसको कहना भी उचित नहीं समझूंगा। मैं अपने लाइन पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इस बात को बोल सकता हूँ, क्योंकि कई बार राजनीति में जो एकदम ओछी राजनीति करते हैं वो जरा मेरे को भी पसंद नहीं आता है। कोई भी अनर्गल आरोप लगा दिए, बहुत सारा बात ऐसा है कि चुनाव जब आया तब किसी बात को उछाल रहे हैं, तो वो सही राजनीति नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और हम किसी को
किसी का शिकायत किए बगैर हम अपने लाइन को अगर आगे बढ़ाएं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। उनके अंदर में क्या बात है, बहुत सारे बातों का जानकारी है भी, लेकिन उसको मैं बोलना उचित नहीं समझता। आपने भी आरोपों की बात की, तो आरोप का खेल अगर देखें तो जो विपक्ष में भी एक नया दल खड़ा हुआ है, गठबंधन इंडिया अलायंस, ये जब से इस गठबंधन का फॉर्मेशन हुआ है तब से ये लगातार एनडीए के ऊपर आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना हो, चाहे वो इनके मैनिफेस्टो को गलत बताना हो, या कहीं कहीं तो अगली बार ये चुनाव को समाप्त कर देंगे, चुनाव प्रणाली समाप्त हो जाएगी, ऐसे गंभीर आरोप लगाने तक का कार्य इंडिया अलायंस द्वारा किया गया, तो ऐसे आरोपों का आप खंडन किस तरह से करेंगे? जो भी बोलने वाले होंगे वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे, वो बुद्धिजीवी होंगे, और उनको कोई भी विषय को जरा पार्टी से उठ करके देखना चाहिए, बात करना चाहिए। निश्चित रूप से विरोधी है तो विरोधी को तो विरोध करना काम रहता है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम बुद्धिजीवी हैं तो कम से कम उन चीज़ों को ऐसा बचा करके हम चलें जिससे कि लोगों के नज़र में भी हम ठीक ठाक बने रहें। जैसे अभी उदाहरण के लिए एक बात बोलूं, अभी भगवान राम का भव्य मंदिर बना और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसे के लिए सभी को आमंत्रण दिया गया, लेकिन मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं कहना चाहूँगा कुछ लोगों के द्वारा मना किया गया कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो हम उस भारत के रहने वाले हैं जहाँ हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं, अगर हम भगवान राम को उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा कर रहे हैं तो फिर ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। जिनके मन में भगवान राम के प्रति आस्था है, और मेरे को लगता है नहीं है कि जितने भी भारत के रहने वाले हैं जो सनातन के मानने वाले हैं उनके मन में भगवान के प्रति आस्था नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, चाहे वो किसी दल के हों। हम ये नहीं बोलते कि कांग्रेस वाले नहीं मानते होंगे, सबके मन में एक आस्था तो है, लेकिन इसके बाद भी अगर इस तरह का अपने आराध्य के प्रति अगर भावना हो तो इसको कितना दुर्भाग्यजनक हम कह सकते हैं। तो इस तरह का ठीक है, राजनीति करना चाहिए, राजनीति क्षेत्र में है, राजनीति करने के लिए है, लेकिन एकदम स्तरहीन राजनीति भी ना हो, इस चीज का हर राजनीतिज्ञ को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरे ख्याल से आपने जो बात कही कि राजनीति का एक स्तर होता है उसको मेंटेन कर रखना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आज की राजनीति में सटीक बैठती भी है ये बात, क्योंकि राजनीति में लोग जो एक बाउंड्री अपन एक लाइन कहते हैं कई बार उसकी मान मर्यादा भूल जाते हैं। तो पिछले 10 वर्षों से वर्तमान की सरकार का कार्यकाल चल रहा है, यानी कि मोदी जी का जो प्रधानमंत्री कार्यकाल 2014 से प्रारंभ हुआ उस समय एक बहुत जन सलाब के मन में था, शायद वो पुराने सरकार के भ्रष्टाचार वगैरह से परेशान थी तो एक बदलाव की ओर बढ़ रही थी। तो 10 साल अब हो चुके हैं 2024 में, पिछले 2014 के मई में सरकार बनी थी तो मई में 10 साल पूर्ण हो जाएंगे। तो 10 साल का जो कार्यकाल रहा है क्या आप इसको एक अच्छी उपलब्धि वाला 10 साल मानते हैं? ये जो 10 साल का कार्यकाल है ये भारत का दशा और दिशा बदलने वाला है। अभी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 24 तारीख को आना हुआ था यहाँ अंबिकापुर में, वहां पर एक बहुत बड़ी बात बोली कि ये जो 10 साल का हमारा कार्यकाल है, दो योजना, ये तो हमारा ट्रेलर था, आगे पूरा पिक्चर बाकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये समझने वाली बात है, क्योंकि इन 10 सालों में जो जो काम किए हैं ऐसे ऐसे काम किए हैं जो जिसको हम अपने शब्दों में अगर कहें तो असंभव था। कश्मीर से 370 का हटना, 3 तलाक का मामला, 3 तलाक को खत्म करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके बाद जो बहुप्रतीक्षित था
लोग बोलते थे कि ये चुनाव में सिर्फ राम मंदिर का नाम आता है, ये राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा बना है, राम ये बना रहेगा, मंदिर बनेगा नहीं। लेकिन मोदी जी उसको करके दिखाए, हमारे भारत के जो सनातनी हैं उनकी भावनाओं को समझते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। वो चूंकि हमारा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में ही भव्य मंदिर बना और उसमें भगवान राम लला विराजे। और मैं उस दिन शाम को जब ये अपील किया गया था कि अपने अपने घर में कम से कम 5 दीपक जलाएं, तो मैं महसूस किया ये सिर्फ शहरी क्षेत्र नहीं बल्कि हमारा जो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र है ये वनों से घिरा है और कई ऐसे मोहल्ले टोले होंगे जो पहुंचबिहीन भी होंगे, जहां समाचार का भी संसाधन नहीं है, नेटवर्क कमी है। ऐसे जगहों पर भी लोग दीपावली से भी ज्यादा खुशी मनाए, तो ये जो काम हो रहा है ये कोई छोटी मोटी काम नहीं है, ये हृदय परिवर्तन का काम है। इसमें एक बात मैं निश्चित रूप से और जोड़ूंगा, मैं अक्सर अभी नहीं देखा हूं लेकिन कुछ दिन पहले तक अपने गायत्री परिवार का एक दीवार लेखन बहुत सुंदर आता था, उसको पढ़ा हूँ, शायद आपको भी ध्यान में आ जाएगा। उस दीवार लेखन में था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कितना शर्मनाक विषय है कि हम भारत के रहने वाले, हम सनातन के मानने वाले, हम हिंदू संस्कृति के मानने वाले, और हम लोगों को बोलवाना पड़ता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन 22 जनवरी के बाद मैं तो कई जगह कार्यक्रमों में जा रहा हूं, कोई कार्यक्रम ऐसा मैं नहीं देखा जिसमें जय श्री राम का नारा नहीं लगा। तो ये जो मोदी जी का ये, मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे सनातन के मानने वाले हैं उनके मन में उनका हृदय परिवर्तन जो हुआ इस अयोध्या के राम मंदिर बनने से और रामलला के विराजने से, ये कहीं ना कहीं मोदी जी का श्रेय है जो सभी के मन को परिवर्तन किए और आज हिंदुत्व का भावना लोगों में झलकता है। हम लोग राजनीतिक मंचों में भी जब जा रहे हैं तो जय श्री राम का नारा अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो नीचे वाले बोलते हैं जय श्री राम, तो फिर हम लोग जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो हृदय परिवर्तन हुआ है ये बहुत बड़ी बात है। इतना होने के बाद अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर पूरा बाकी है, तो शायद भारत को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिस भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। और आज कहीं ना कहीं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, और उनके मन में क्या क्या परिकल्पना है वो तो जब हम उस पिक्चर को देखेंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि जो काम इतना बड़ा बड़ा किए हो उसको काम नहीं मान रहे हैं, उसको तो ट्रेलर मान रहे हैं, तो पिक्चर क्या क्या होगा वो तो जब देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पुनः विश्वगुरु के स्थान पर इस भारत को स्थापित करने का उनका मंशा है, जिसके लिए पूरे भारत के मतदाता, सभी यहाँ के निवासी, सब हिंदुत्व के मानने वाले सभी मोदी जी के साथ हैं। और सब अब तो ये नारा भी लगने लगा है कि मैं मोदी का परिवार हूँ, तो हम सब मोदी के परिवार हैं। और उस जिम्मेदारी को आदरणीय मोदी जी बखूबी निभा रहे हैं। मेरे को लगता है कबीर दास जी का शायद एक दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, तो आदरणीय मोदी जी उस मैं मोदी का परिवार हूँ का जो नारा है उस भूमिका को बहुत बखूबी निभा रहे हैं
और सभी को अपना परिवार समझ करके उनके सभी सुख दुखों को अनुभव करते हुए उसके अनुसार योजना बना करके काम कर रहे हैं, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। महाराज जी, हम समझते हैं कि आप अभी चुनाव तीसरे चरण में होने वाला है, आपका दिनचर्या बड़े व्यस्त चलता है। अब अपन अपने इस इंटरव्यू को एक बार समाप्ति की ओर ले चलते हैं। तो अभी 7 तारीख को तीसरे चरण के मतदान यहाँ पर सरगुजा विभाग में होने हैं। आप अपनी सरगुजा की जनता से एवं इसको पूरा राष्ट्र भी दिखेगा, पूरी राष्ट्र की जनता के लिए मतदान से लेकर कोई संदेश हो तो आप पहुँचा सकते हैं। मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि मोदी जी जो गारंटी दिए थे, लगभग हम लोग 3 गारंटी का जिक्र करते हैं, महतारी बंधन योजना और धान का बोनस और अंतर का राशि, मोदी जी अपने 3 गारंटियों को पूरा किए। मैं जनताओं से यही आग्रह करूंगा कि मोदी जी का गारंटी पूरा हुआ, अब हम जनता की ओर से हम मोदी जी को ये गारंटी दें कि हम तीसरी बार आपको हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे हैं, इसके लिए हमारे जनता की ओर से गारंटी हो, ये हमारे जनताओं से, हमारे मतदाताओं से हमारा ये आग्रह है कि हम सब मिल करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठाने के लिए हम उनको गारंटी दें। मेरे बात से सब लगभग हमारे जितने भी मतदाता बंधु हैं सभी सहमत होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि 7 मई को जो वोटिंग होना है उसमें कमल फूल छाप में वोट दे करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाने के लिए आप सभी लोगों का मदद मिले, यही आग्रह के साथ मैं आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। तो दर्शकों, पूरे भारत में 2 चरणों की वोटिंग अब समाप्त हो चुकी है। 190 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में तय हो चुकी है और अब 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। बोल छत्तीसगढ़ की टीम लगातार अपने दर्शकों से आग्रह करती है कि लोकतंत्र में हमको जो ताकत मिली है इसका हम प्रयोग करें और अपने क्षेत्र में जब जिस दिन भी चुनाव होना है उस दिन घर से बाहर निकले, मतदान अवश्य करें और अपनी ताकत का प्रयोग करें। इसी के साथ में आज के इस 90वें एपिसोड का यहाँ पे मैं समापन करता हूँ और महाराज जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्हें अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला। मिलते हैं अपने 10वें भाग में हमर सांसद को उनके कार्यक्रम में। जुड़े रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।